हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफ्फत सैलून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और खुश होंगे। द पर्पज ऑफ माय चैनल इज टू लिव ब्यूटीफुली एंड हेल्दी विद इफ्फत। सो माय डियर फ्रेंड्स, वॉच द वीडियो टिल एंड डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन से भरपूर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से सीखेंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। तो आइए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है, उसमें यह है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आपने एक दिन में कम से कम आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना है, यानी अगर हम उनको ग्लासों में ग्लास की बात कर लें तो हमने ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्लासेस पानी जो है वो आपने एक दिन में लाजमी पीना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हों तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसके बाद हम बात कर लें तो अब बात है खाने की। खाना आपने क्या खाना है? आपने राइट चीज़ें खानी है। खाने से मुराद ये नहीं है कि आप बहुत कम खाएं या बहुत ज़्यादा खाएं, आपने खाने को मैनेज करना है और सही चीज़ें खानी है। आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपने बेकरी आइटम्स, आपने जो स्वीट मीठी चीज़ें हैं, शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना है। वंस इन अ वीक, वंस इन अ वाइल आप उन चीज़ों को खा सकते हैं, अदरवाइज आपने उनको जो है वो अवॉइड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप मतवाजन ग़ज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादातर आप खाएं और कोई भी रॉ वेजिटेबल्स का एक पूरा बाउल भर के सैलड का आप दिन में एक दफ़ा खाएँ। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपनी डेली रूटीन के अंदर नट्स खाएँ। नट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, पीनट ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपके लिए 3 अखरोट भी मोर देन इनफ है। अगर आप 3 वॉलनट जो है वो डेली खा लेते हैं तो आप कोई ना कोई जो है वो ड्राई फ्रूट दिन में एक दफ़ा ज़रूर लें। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, मौसमी फल कोई एक फल आप डेली खाएँ। सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट, एनी फ्रूट आपने दिन में एक दफ़ा खाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बारी हमारे पास आती है वो है कि आपने दिन में एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 30 मिनट्स आपने एक दिन में एक्सरसाइज लाजमी करनी है। चाहे आप वॉक कर लें, चाहे आप जॉगिंग कर लें, चाहे आप जिम कर लें, चाहे आप डांस कर लें। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग डांस करते हैं दे आर मोर फिट, वो लोग ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तो आप डांस, कोई भी जो चीज़ आपको अच्छी महसूस होती है, यानी जिसे करके आप खुशी महसूस करते हैं या जिसे करने से आप थकते नहीं हैं या जो आपकी रूटीन का हिस्सा आप उसको नहीं समझते हैं, तो आपने दिन में आधे घंटों से करना है, यानी एक वीक के अंदर 5 दफ़ा अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं दैट इज़ इनफ फॉर यू। स्किन केयर, हम अपनी स्किन की केयर किस तरीके से करते हैं, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। और आपने अपनी स्किन की केयर हर सूरत करनी है अगर आप चाहते हैं कि आप एजिंग की तरफ ना जाएं। जब आप 35+ हो जाते हैं तो फिर आप एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए तो आपको अपनी स्किन की केयर 35+ में करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सके। हमेशा यंग नज़र आने के लिए स्किन केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी स्किन को मॉइस्चर, जब भी आप फेस वॉश करें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, और दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश करें और अपनी स्किन को लाजमी मॉइस्चराइज करें। जब भी बाहर निकलें, धूप हो या ना हो, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी स्किन के लिए यूवी रेज हर वक्त रेडी रहती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना करना आपकी स्किन को एजिंग प्रोसेस की तरफ ले जाता है। जब भी आप धूप में हो या ना हो, जब भी आप बाहर निकलें तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल डेली
हर रोज़ आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, हफ्ते में एक दफ़ा आपके लिए स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन की डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं और आपकी स्किन के जो न्यू सेल्स हैं वो जनरेट हो जाएं। तो वीक में एक दफ़ा स्क्रब कीजिए और वीक में एक दफ़ा क्लिंजिंग भी लाजमी कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि हमने अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना है, यानी आजकल की भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, जो हमारे पास जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह की चीज़ें हैं, जो फास्टली हम एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इसमें हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई स्ट्रेस है। आपने उस स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। मैनेज करना है मतलब उस स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलर उसमें टेक्निक है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन मीन्स आप किसी जगह पर अपना ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन, ये दो टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं और सुकून महसूस करते हैं। तो आपने अपने जो स्ट्रेस लेवल है उसको जो है वो रिड्यूस करना है। सो फ्रेंड्स, हम इंसान हैं और इंसान जो है वो कोई मशीन नहीं है। सुबह से लेकर रात तक इतनी टफ रूटीन के साथ साथ हम अपनी जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। एक टफ रूटीन के साथ हम एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम इस टफ रूटीन के साथ 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो फिर हमारी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, इससे हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। ये आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, अपने फैमिली डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि स्लीप के बेनिफिट्स कितने हैं। आपको एक दिन के अंदर कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद जो है वो रात के वक्त की आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माई डियर फ्रेंड्स, अगला जो हमारा स्टेप है वो यही है कि हम अपने सराउंडिंग में उन लोगों को रखें या अपने इर्द गिर्द या अपने माहौल में उन लोगों को रखें जो लोग जिनसे हमें खुशी महसूस होती है या जिनकी कंपनी में हम अच्छा महसूस करते हैं। जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव, और जिस तरह से ऐसे लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप बैठना, बातें करना, गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग या अपने सराउंडिंग में आप ऐसे लोगों को रखिए जिनके साथ आप गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, जिनके साथ आप रहना पसंद करते हैं, जिनके साथ आप बातें करके आपको अच्छा महसूस होता है। सो डियर फ्रेंड, अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें आपने क्या करना है कि अपनी डाइट के अंदर कुछ विटामिंस जो है उनका इजाफा करें, यानी अपनी डाइट के अंदर विटामिंस ज़्यादा करें। या तो आप ये करें कि ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं जिनसे आपकी जो डाइट है उसमें विटामिन ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इस तरह से विटामिन आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप विटामिन की मार्केट के अंदर बहुत सारी टेबलेट्स मिलती हैं जिन्हें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन के अंदर विटामिन के इनटेक को बढ़ाएं। चाय पीने वालों के लिए खुशखबरी है कि जो लोग चाय पीते हैं उनकी उम्र उन लोगों की निस्बत ज़्यादा है जो लोग चाय नहीं पीते हैं। तो ये एक रिसर्च ही है, हम इसके ऊपर यही बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप चाय पीजिए चाय, और अगर ये चाय आपके पास ग्रीन टी है, ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको वेट रिडक्शन में भी मदद करती है, तो आप ग्रीन टी के और एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें मौजूद हैं और भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूँगी, तो आप ग्रीन टी को अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट बहुत ही आसान है, स्माइल, मुस्कुराइए। मुस्कुराना सबका जारिया है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुश रहने से आपका क्या जाता है? मुस्कुराएंगे तो आपकी एज भी ज़्यादा होगी, मुस्कुराएंगे तो आप खुश रहेंगे। खुश रहने से क्या होता है कि आप यंग नज़र आते हैं। आप जितना मर्ज़ी तैयार हो जाएं, आप जितने मर्ज़ी अच्छा लिबास पहन लें, जब तक कि आप खुश नहीं होते, जब तक आप स्माइल नहीं कर रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, तब तक जो है वो आप खूबसूरत नहीं लग रहे। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप स्माइल करें, मुस्कुराएं और खुश रहें। खुश रहना वैसे भी सबका जारिया है, तो मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। सो डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वेट।
अच्छा जी, अब बात हम करते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जी रिड्यूस योर वेट, रिड्यूस योर वेट, रिड्यूस योर वेट। देखिए, मैनेज योर वेट, मैनेज योर वेट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर एज, आपने अपना एक ख़ास वेट मेंटेन करना होता है। अगर आप अपनी हाइट के लिहाज से आपका वेट जो है वो ज़्यादा है, कि आप गूगल कीजिए, आपको इसके इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उससे कम लेवल में हैं तो आप अंडरवेट हैं, अंडरवेट होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, और अगर आप उससे अपर लेवल में हैं तो आप ओवरवेट हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको अपने वेट को रिड्यूस करना है, वेट में कमी लानी है। आप ये देखिए कि जब भी आप ये सोचते हैं कि 10 साल या 15 साल पहले की आप पिक देखते हैं अपनी या पिक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस तस्वीर को जब भी देखते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले ये आता है कि मेरा यहाँ पर वज़न कम था। इसका मतलब ये है कि आपको अगर यंग नज़र आना है तो आपको अपने वेट को रिड्यूस करना है, एटलीस्ट उस लेवल पर लाना है जो आपकी एज के और आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग है। तो अपने वेट को आपने मैनेज करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो वक्त पर मिलती रहे। लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आपकी फीडबैक से मैं आगाह रहूँ और मुझे पता चलता रहे आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।